तो दर्शकों, बहुत ही खास मेहमान, दोस्त, भाई, हमसाया, हमराज, क्या बोले इनके लिए, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं हम लोग, होली के बाद शायद, है ना। हाँ। और भाई माशाल्लाह बॉडी देखो, अभी ऐसा लग रहा है कि रास्ते में ही जिम चल रही थी भाई की। और खास मेहमान आए हैं समीर के यहाँ, और समीर आज क्या करने वाले हो, क्योंकि भाई मतलब नया लुक कुछ होने वाला है और भाई के नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। यस, कुछ नया लुक होने वाला है, तो उसके लिए पहले देखते हैं कि आज क्या नया लुक करने वाले हैं हम लोग। हाँ। क्योंकि शूट के हिसाब से कंटिन्यूटी भी ध्यान में रखनी होगी हमें, ठीक है। तो पहले जानने वाले हैं कि भाई का नया प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि भाई हमें पार्टी चाहिए। जानेंगे, पार्टी भी चाहिए ना उसके लिए। भाई प्रोजेक्ट बताओ। सो नया प्रोजेक्ट है जो एक हफ्ते में शुरू होने वाला है, सो उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन भी करनी पड़ेगी। और ये भालू जैसे बाल है, जितने ऊपर जाए सीधे नीचे आते हैं। दिस इज माय नॉर्मल हेयर, बहुत कम लोगों को देखा है ये बाल, बहुत कम लोगों ने, क्योंकि यूजुअली प्रोडक्ट चकाचक ऐसे बाल ऊपर खेत की तरह खड़े रहते हैं, पर दिस इज माय नॉर्मल हेयर। पर आई एम प्लेइंग अ कॉप, एक फिल्म है अमीदोगे पार्टनर्स, जो बहुत बड़ी फिल्म है, मैं और स्वप्निल हैं इसमें। सो उसके लिए ये लुक ट्राई कर रहे हैं। सो आई एम टर्निंग फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन टू, ये बॉडी, सारी बॉडी उसी फिल्म के लिए है, और कॉप का रोल है तो थोड़ा कॉप वाला लुक। भाई को कॉप वाला रोल जो है ना, वो बहुत सूट करता है, पहले भी जब भी करते हैं, और माशाल्लाह ऐसा दबंग टाइप का कॉप अगर आए तो फिर स्क्रीन पे तो दर्शक मतलब सीटियाँ, तालियाँ, सिक्के, जो भी मिल सकता है वो प्यार से वो फेंकने वाले। दबंग तो एक ही है, लेकिन सलमान सर, उनका अगर 10% भी सीटियाँ, तालियाँ, सिक्के मिल जाए तो मैं जमा कर लूँगा। मेहनत तो उनसे ज़्यादा ही कर रहे हो आप, मैं देख रहा हूँ। बात हुई तब जिम में थे, अभी आए हैं, और कंटिन्यूटी और हर चीज़ के बारे में बात हो रही है। नहीं नहीं, बट ही इज एन इंस्पिरेशन। अभी आईफा में मिले थे तब भी मैंने उनसे यही कहा कि सर, ये ना आप प्रेशर देते हो, क्या है कि आप, हम लोग बॉडी बनाते हैं किसी चीज़ के लिए, फिर वो बॉडी चली जाती है, फिर आपकी फिल्म आती है, फिर आपकी बॉडी देखते हैं, और फिर ऐसा लगता है अरे वाट लगी बनानी पड़ेगी, तो ये कब तक करेंगे। वही सर, ही टोल्ड मी दैट ये तो विशाल हमेशा के लिए रहेगा, और हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, तो हमेशा तुम लोग की लगी रहेगी। भाईजान की बात आई, हमारे दूसरे भाईजान समीर भाईजान, क्या करने वाले हो, चलो शुरू करो भाई, स्पेशल क्या होने वाला है भाई, क्योंकि हम लोग एक्साइटेड हैं कुछ नया करने के लिए। और दूसरा, अब जब एक भाई का कुछ हो रहा है तो हमारा भी कुछ मेकओवर कर रहा है यार। मेकओवर होगा आज, ठीक है, चलो फिर शुरू करो।
शेडेड और इतने फिट लग रहे हैं ना, इनके साथ खड़े होने का मतलब नहीं है। मेकओवर बॉयज ऐसे बैठे। मीर भाई क्या कुछ किया विशाल भाई के साथ, क्या किया? लास्ट टाइम जो हमने एक रील डाली थी ना, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे कि यार इससे भी अच्छा हो सकता था। मैं बोला यार कि रील लाइफ में और रियल लाइफ में फ़र्क होता है, क्यों? क्योंकि ये एक आर्टिस्ट है, राइट, और इनको क्या बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ता है, अपने लुक को लेके किस तरीके से कंटिन्यूटी, राइट, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स दिए थे कि अरे इससे अच्छा तो हम कर देते, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही काम आता है फेडेड करना, राइट, और एकदम नीट एंड लुक देना। तो आई वॉज लाइक ओके दैट्स अ गुड फीडबैक फॉर मी, बट मैंने सोचा कि मैं रिप्लाई भी करूं, बट फिर सोचा कि नहीं, रील और रियल लाइफ में फ़र्क है, बातों से नहीं काम से रिप्लाई करें। करेक्ट, तो ये वो रिप्लाई था। मैं कॉप जैसा फील कर रहा हूँ, मैं कॉप जैसा एक पुलिस इंस्पेक्टर जैसा फील करने के लिए आया था, और एक्चुअली वैसे फील कर रहा हूँ। तीन तरह के लोग देखे हैं मैंने व्हेन इट कम्स टू हेयर, एक हेयर कटर्स होते हैं, दूसरे हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, और फिर तीसरा मिला मुझे जो आर्टिस्ट होता है। सो इज़ एन आर्टिस्ट, मैंने सिर्फ बेसिकली उनको बताया कि मुझे क्या चाहिए, ही डिडंट टेक मच टाइम, हाँ हो जाएगा। तो मैं भी थोड़ा डरा हुआ था कि हो जाएगा, बोल रहा है, मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट है जैसे आपने देखे, तो उसको इस तरह से काट कर इस तरह से सेट करना, बट ही डिड अ ब्रिलियंट जॉब, और बहुत सिंपल है, इन्होंने मुझे सिखाया भी व्हाट टू यूज एंड व्हाट टू डू, सो दिस इज़ वेरी सिंपल, 5 मिनट का काम, ऑल सेट फॉर शूट, पूरी तरीके से, मतलब अगर भाई को अभी भेज दें तुरंत शूट कर दें, बिल्कुल, सिर्फ यूनिफॉर्म पहनकर आई लुक लाइक अ हैंडसम कॉप। लेकिन हम नहीं चाहते, और बहुत सारी लड़कियां भी नहीं चाहेंगी कि भाई को यूनिफॉर्म पहना है, ऐसे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं, आई मेंटेन दिस, और बाल भी मेंटेन करना है, बॉडी भी मेंटेन करना है, इट्स अ टफ जॉब, बट दैट्स व्हाट वी आर्टिस्ट आर मेंट टू डू, और आप जल्द देखोगे मुझे बड़े पर्दे पर विद दिस हेयर स्टाइल एंड दिस बॉडी। हेयर्स बड़े कमाल के हैं, उनके टेक्सचर पे, उनकी पर्सनालिटी पे कुछ आप रोशनी डालना चाहोगे? मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, क्योंकि ये जो एक्चुअली ये जो टेक्सचर होता है ना, बहुत डिफ़िकल्ट है हेयर कट करना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लाइक फर्स्ट टाइम जब ये आए थे तो मैंने बोला कि इस बार जो है ना सिर्फ मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा, बिकॉज आई हैव टू अंडरस्टैंड योर हेयर। इतने खूबसूरत तो बाल हैं, क्यों डिफ़िकल्ट है मेरे को बताओ? हेयर खूबसूरत है ना, बट जो फॉल है ना वो नेचुरल है, राइट, हाँ, और बहुत ज़्यादा थिक है स्ट्रेंथ उनके हेयर की, ईच एक एक स्ट्रेंथ जो है ना हेयर की बहुत ज़्यादा थिक है, तो वो हेयर बहुत अच्छा है, बट वो कैसा है कि अगर आप लॉन्ग रख रहे हो तो अच्छा है, बट शॉर्ट हेयर में वो इतना ही डिफ़िकल्ट होता है। तो आई हैव गॉट पोकर स्ट्रेट हेयर, वो शाहरुख खान वाले बाल है, अगर सीधे जो गिरते हैं ना वो वाले बाल है, तो उसको मेंटेन करके उसको, क्योंकि ज़रा भी अगर गलत कट गया ना तो वो खड़े हो जाएंगे बाल, मतलब वो चावल के खेत जैसे दिखेंगे। सो दैट इज द रीजन आई कॉल हिम एन आर्टिस्ट, बिकॉज ही अंडरस्टूड माय हेयर, बिल्कुल समझा उन्होंने, और ऐसे मतलब मस्के जैसा यार, ही इज मक्खन व्हेन इट कम्स टू हेयर कटिंग। और बहुत सारे लोग हैं, बहुतों को इंस्पायर करते हो आप, कुछ टिप्स देना चाहोगे हेयर्स के बारे में, स्किन के बारे में? इतने चमक रहे हो माशाल्लाह, बाल इतने अच्छे लग रहे हैं, कुछ जो इतने सारे लोग देख रहे हैं उनको क्या? यार इसमें बहुत योगदान मेरे माता पिता का, आई हैव गॉट वेरी गुड जीन्स फ्रॉम देम, सो जेनेटिकली मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आई एम अ मिक्सचर ऑफ अ साउथ इंडियन डैड एंड अ नॉर्थ इंडियन मॉम, तो पूरा इंडिया बसा हुआ है अंदर, सो जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत ख्याल रखता हूँ, मैं सब कुछ खाता हूँ, सिर्फ दो चीज़ें करता हूँ कि आई काउंट वॉट आई ईट, सो द क्वान्टिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या खा रहा हूँ उससे ज़्यादा कितना खा रहा हूँ उस पर ध्यान देता हूँ, और 8 बजे के बाद मैं नहीं खाता, सिर्फ ये दो चीज़ें करता हूँ, एंड ऑफकोर्स 2 आवर्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे। हाँ, अगर कोई फिल्म ना हो और काम ना हो तो फिर देन आई चीट एंड आई रिलैक्स, पर खुद को तकलीफ नहीं देता, क्योंकि मैं खुल के जीने में विश्वास रखता हूँ। जहाँ तक बाल का सवाल है, मैं अपने बाल को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, क्योंकि वो सीधे गिरते हैं नीचे, इट्स स्ट्रेट, सो व्हेन आई मेट हिम एंड नाउ आई हैव हिम, तो ही विल टेक केयर ऑफ माय हेयर। समीर, ऐसे हेयर स्टाइलिस्ट हो तो ऐसे हेयर्स के लिए क्या आप बताना चाहोगे? बहुत सारे लोग हैं जो खुद परेशान होते होंगे भाई की तरह, उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? करेक्ट, तो बेसिकली उनको क्या करना है कि एक तो स्टाइलिंग करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप कोई भी सलून से आप हेयर कट कराने के लिए जाते हो, राइट, उसके बाद लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेंटेन योर हेयर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टाइलिंग मेरे हिसाब से क्या है ना, स्टाइलिंग इज लाइक अ गेम, कि जब तक आप गेम जीतते नहीं हो तब तक आप खेलते रहते हो, तो स्टाइलिंग का भी वैसा है कि आप जस्ट यू जस्ट हैव टू प्ले विथ योर
हेयर अंटिल यू आर नॉट हैप्पी विद, वो तो कभी नहीं जीत पाएंगे क्योंकि हम जिस हर किसी के पास समीर सलमानी होना चाहिए ना भाई। नहीं बट उसके लिए सीखने के लिए कोई ज्यादा एक्चुअली मेहनत नहीं है, सिर्फ थोड़ा एक दो वीडियो देखना है और बहुत इजी, कुछ नहीं है, हजार बार सिखा चुके हो लेकिन घर जाके ना कभी ऐसा नहीं होता। बट एटलीस्ट करते तो बेटर हो ना, ऐसा नहीं है कि मतलब ना जाने लायक तो नहीं रहते हो ना, राइट। थोड़ा तो आशीष भाई के बाल भी आज कमाल है और वो वैसे ही रखने वाले हैं। इस टोल में कि मैं ऐसे ही रखूंगा दो तीन दिन, क्योंकि एक बार वो नहा के बिगड़ जाएगा तो ही विल नॉट बी एबल टू सेट इट लाइक दैट। बट ही इज गॉट अमेजिंग वेवी हेयर एंड ब्राउन कलर्ड है और भूरी आंखें हैं, तो वो मतलब जर्नलिज्म के ऋतिक रोशन म्यूचुअल एडमिरेशन है एक दूसरे के लिए, क्योंकि भाई इतने कमाल है ना तो वो हमेशा दूसरों के लिए अच्छी चीजें ही बोलते हैं। लेकिन आज मजा आया, बहुत मजा आया मुझे भी। लव यू यार, लव लव।